एक लंबे समय के बाद फैंस अब कर पाएंगे अपनी फेवरेट टीम्स को स्टेडियम में चीयर, कैसे आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका क्रिकेट ट्रैकर के इस नए वीडियो में। आज मैं जैन रांका लाया हूं आपके लिए नए क्रिकेट अपडेट्स। सबसे पहले बात करूंगा फैंस की स्टेडियम में री एंट्री के बारे में, उसके बाद बीसीसीआई को है खोज 3 नए नेशनल सिलेक्टर्स की। इसी के साथ इंडियन टीम जो है वो दिखने वाली है एक नई जर्सी में, और विंडीज की टीम लाई है अपने लिए एक नया टेस्ट वाइस कैप्टन। तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। कोविड 19 पैंडेमिक के चलते पिछले कुछ महीने जितना भी क्रिकेटिंग एक्शन हमने देखा है उसमें फैंस को टिकट लेकर स्टेडियम में जाने की एंट्री बिल्कुल नहीं मिल रही थी। लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए लाया है एक बहुत बढ़िया खबर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होगी वहां पे फैंस अलाउड होंगे, मगर एक लिमिटेड नंबर में। जैसे एडिलेड और सिडनी के ग्राउंड्स में जितनी भी कैपेसिटी है उसमें सिर्फ 50% लोग ही जा पाएंगे, और मेलबर्न का जो ग्राउंड है जहां पे हिस्टोरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है वहां टोटल 25,000 लोग एक दिन में लाइव एक्शन का मजा उठाने आ सकते हैं। फैंस के लिए 100% एक बहुत अच्छी खबर ये है, क्योंकि करीबन 10 महीने के बाद वो चीयर करने स्टेडियम में जा सकते हैं प्लेयर्स के लिए, और प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि बिना फैंस के वहां पे वो कहीं ना कहीं थोड़े अधूरे जरूर हैं। बीसीसीआई ने जारी कर दिए हैं एप्लीकेशंस 3 नेशनल सिलेक्टर्स की वेकेंट पोस्ट के लिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हाल ही में जो सिलेक्टर्स थे जतिन परंजपे, सरनदीप सिंह और देवांग गांधी, उनका टेन्योर अब खत्म हो चुका है। इस सिलेक्शन कमेटी के हेड अभी भी सुनील जोशी होंगे और उनके साथ एक और एग्जिस्टिंग सिलेक्टर हरविंदर सिंह जुड़े हुए रहेंगे, मगर कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कौन से बड़े दिग्गज नाम जुड़ने वाले हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिलेक्शन कमेटी के साथ। इस बार ऑस्ट्रेलियन टूर पर इंडिया की टीम एक नई जर्सी पहनने वाली है लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल्स में। इसका जो लुक है वो थोड़ा रेट्रो है, यहाँ पे एक नेवी ब्लू शेड का यूज किया गया है, जबकि हाल ही में हमने कुछ सालों में देखा है कि टीम स्काई ब्लू कलर की जर्सी पहनती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे आने वाला है। साथ ही इसी जर्सी में हमने कई इंडियन दिग्गज खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है, और अब करंट क्रिकेट टीम ये जर्सी पहनकर उतरने वाली है ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस नई जर्सी में हमारे प्लेयर्स को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं। विंडीज की टीम ने रॉस्टन चेस को टेस्ट में वाइस कैप्टेंसी थमा दी है। टीम के कैप्टन अभी भी जेसन होल्डर ही रहेंगे, मगर वाइस कैप्टन नए बने हैं रॉस्टन चेस। 35 टेस्ट मैच ये खेले हैं दोनों ही बल्ले और बॉल के साथ, बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। साथ ही में निकोलस पूरन जो है वो अभी भी T20 टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे। विंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर निकली है, बहुत ही मजेदार ये दौरा होने वाला है। ये जो सीरीज है यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया क्रिकेट एक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये थे मेरे आज के क्रिकेट अपडेट्स, मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्द ही। आप तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इन सब चीजों के बारे में अपने व्यूज बताइए, और अगर अभी तक आपने क्रिकेट ट्रैकर को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। थैंक यू।